भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय राहत दिए जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ललितपुर में वर्ष 2019 में खरीफ की फसल पर अतिवृष्टि होने के फलस्वरूप जिले के सभी किसानों की खरीफ की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी, जिसका सर्वेक्षण भारत सरकार के आपदा राहत दल द्वारा किया गया था, जिसकी पूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी थी और भारत सरकार द्वारा जिले में ऋणी और गैर ऋणी बीमित किसानों को बीमा क्लेम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन अभी तक लगभग 90% किसानों का फसल बीमा उन्हें नहीं मिला, इसीलिए सभी किसान नेताओं के दल विकास भवन के पीछे स्थित कार्यालय उप कृषि निदेशक कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठे किसानों नेताओं ने किसानों की आवाज उठाने के लिए विगत 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे ललितपुर के लगभग 23,000 किसानों को 2019 की खरीफ की फसल की बीमा नहीं मिली। ये बीमा कंपनी और जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, इसलिए हम किसान और विगत 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कितने किसान छूट गए हैं जो बीमा में जो कंपनी ने धोखा किया है? यानी कंपनी बिल्कुल पूरी झूठ बोल रही, यानी 10% सत्य बोल रही, 90% मतलब झूठ बोल रही है, 10% सही बोल रही है। हम आपके इलाजे बता दें, 1010 रुपया बीमा कटा है, जिसका बीमा आया है 889 रुपया। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हैं ये इस प्रकार का बीमा देके एक तरह का गुमराह कर रहे हैं, यानी हम लोगों को किसानों को बिल्कुल झूठी बात है। इनका सही जांच होना चाहिए और इन पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए और मैं भी आज के किसानों को बीमा दिया जाए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। और हमारे यहाँ पे समितियों पे उठाउन नहीं हो रहा है, कहीं गोदाम भरी है, कहीं उठाउन नहीं हो रहा है, इसलिए। और हमारे टोकन जो बने हुए हैं, यदि टोकन के आधार पर उन लोगों का किसानों का उठाउन गेहूं का नहीं लिया या नहीं लिया तो उसके खिलाफ। किस चीज़ को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन? जी धरना प्रदर्शन खरीफ 2019 में ललितपुर जिले में हुई खरीफ की फसल नष्ट के बाद बीमा क्लेम दिए जाने के संबंध में चल रहा है। कितने किसानों का बीमा आ चुका है अभी खातों में? अब वो कभी बीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से कभी बताया नहीं। जब भी मीटिंग में आते हैं तब भी फर्जी कागज बनाकर ही खिलाते हैं और जिला प्रशासन को गुमराह करते हैं, किसान प्रतिनिधियों को गुमराह करते हैं। ना तो उनके द्वारा अभी तक कोई अभिलेख DD कार्यालय में जमा किए गए हैं, न जिला प्रशासन को दिए गए हैं, केवल फर्जी आंकड़े बता करके जिले भर के किसानों को एक साथ। आपका जगदीश प्रसाद तिवारी नाम है और प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। सर, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि कंपनी का कहना है कि 23,000 किसानों को रिजेक्ट कर दिया गया है कि इनको हम बीमा नहीं देंगे। लेकिन 23,000 किसानों को इसलिए किया है इन्होंने कि ये कहते हैं कि आपके डबल प्रीमियम कटे हैं। यदि डबल प्रीमियम कटे हैं तो कंपनी को डबल हमारा प्रीमियम मिला है, राज्यांश और केंद्रांश भी इन्हें डबल मिला है। और जब इन्होंने हमें नोटिस